हेलो दोस्तों, रमेश चंद्रा जी का नमस्कार। गुणा के बहुत सारे तरीके आपने सीखे हैं, देखे हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका जो बिल्कुल ही अलग है, और हम ये देखते हैं कि जैसा कि ये जैसे एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, हमने किताबों में पढ़ा और वहीं छूट गया। कभी हमने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी कुछ किया, और हमें कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं त्रिभुज हमने पढ़ा, वर्ग हमने पढ़ा, और उसका क्या यूज़ किया। तो उसका यूज़ करके हम बहुत सारी गुणा के तरीके तैयार कर सकते हैं, और बड़ी ही आसान, जो एक बार समझता है बिल्कुल समझ जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें टेबल की आवश्यकता पड़ती है गुणा करने के लिए, जबकि इस मेथड से हमारे किसी भी टेबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और बिना ही टेबल को याद किए हुए किसी की भी गुणा, छोटी या बड़ी, कोई सी भी की जा सकती है। हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिएगा कि हमें कोई मल्टीप्लाई करनी है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है। एक छोटी सी गुणा से शुरुआत करते हैं हम इसमें। 2 और 3 सी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखा कि पहला नंबर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा एक पहला ट्राइंगल बनाया है, दूसरा ट्राइंगल भी उसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। अर्थात या तो उससे बड़ा बनाओ या उससे छोटा बनाओ। तो हमने ये 2 ट्राइंगल तैयार कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि नंबर आगे हमारा 3 है, तो हमें 3 वर्ग इसमें बनाने हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप से। और इसमें भी यही बात ध्यान रखनी है हमें, इन तीनों वर्गों को बनाते समय हमें ये बात ध्यान रखना है कि इन तीनों वर्गों को जब हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो या तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो और या वो घटते हुए क्रम में होने चाहिए। अब मान लीजिए हमने ये तीनों तैयार कर दिए, और इस टाइप से ये हमने वर्ग इसके अंदर बना दिए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि या तो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें या क्षैतिज दिशा में देखें। तो हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम देखते हैं कि पहले वाले दोनों ट्राइंगलों को, ये जो स्क्वायर हैं, ये कितनी जगह पर काटते हैं, उनको इंडिकेट कर दिया हमने यहाँ पर ये। और हमने ये देखा कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसी जगह हैं जहाँ वर्ग और त्रिभुज दोनों एक दूसरे को काटते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि 2 और 3 का जो मल्टीप्लाई हुआ वो 6 हुआ। ये नीचे भी गिन सकते हैं क्षैतिज, या तो ऊपर गिनेंगे या नीचे, दोनों में से केवल एक ही जगह पर गिनेंगे। नीचे देखा हमने, यहाँ भी आपके 6 पॉइंट हैं, तो या तो नीचे के गिन लें या ऊपर के गिनें। एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का और लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर नंबर जो है इसमें 3 बाई 3 हो, 3 और 3 की इंटू हो। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल तैयार करेंगे। 3 है पहले लिखा हुआ, तो 3 ट्राइंगल हमें तैयार करने हैं। दूसरा एक ट्राइंगल और इसके बाद, और ट्राइंगल वही उसी क्रम में जैसे हमने बताए थे, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में बनाएंगे। और ये एक ट्राइंगल और तैयार हो गया। तो हमारे पास 3 था सबसे पहले, तो हमने 3 ट्राइंगल ये तैयार हमने किए। इसके बाद आता है वर्ग, हमारा अगला नंबर है 3। तो 3 वर्ग हमें तैयार करने हैं इसके अंदर। 3 वर्ग को बनाते समय भी हमें यही बात का ध्यान रखना है कि वो जो नंबर हैं किसी से टच नहीं करने चाहिए, और बढ़ते या घटते हुए क्रम में ही इनको बनाना है हमें। तो हमने ये इसमें जो है 3 वर्ग तैयार कर दिए, और एक नंबर और रह गया, और वो जो है एक ये वर्ग तैयार हमने किया। और उसके बाद हमने ये देखा कि या तो ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे हम इसमें, नीचे देखें या ऊपर देखें, कि ये ट्राइंगल को जो स्क्वायर हैं कितनी जगह टच करते हैं या काटते हैं, उनको इंडिकेट कर दें पॉइंटों को। ये हमने जो है पॉइंटों को इंडिकेट कर दिया, ऊपर या नीचे भी क्षैतिज दिशा में भी इंडिकेट कर सकते हैं हम, जहाँ जहाँ ये टच हो रहे हैं,
उन डायरेक्शन को, सभी को, टच को, पॉइंटों को। ये तो ऊपर के पॉइंट गिन लें या नीचे के पॉइंट गिन लें। हमने ऊपर के पॉइंट गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये देखा कि 3 और 3 का इंटू जब करेंगे तो 9 ही आएगा। या नीचे के पॉइंट भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 या तो ये वाले गिन लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन हो, इन स्क्वायर के और आप ट्रायंगल के दोनों से कॉम्बिनेशन के साथ में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुणा की कितनी भी तैयार कर सकते हैं और छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को बहुत कलेक्ट करते हैं। और आप अपना सीखें और दूसरों को भी इसका लाभ पहुँचाएँ। धन्यवाद।